हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जन्माष्टमी को लेकर। जन्माष्टमी भाई किस तरीके से मनाई जा रही है, कब मनाई जा रही है, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है। निर्जला व्रत रखना है, फलाहारी व्रत रखना है, किस तरीके से व्रत करना है, आज इस व्लॉग में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। भाई बहुत से लोगों के मन में ये डाउट भी है कि लड्डू गोपाल का जन्म करवाना है, नहीं करवाना है, किस तरीके से जन्माष्टमी की पूजा करनी है, आज इस व्लॉग में मैं ये बताने वाली हूँ। भाई कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है, तो 2024 में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सभी जगह इसी दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है और सभी लोग अपनी जन्माष्टमी की तैयारी में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जन्माष्टमी का व्रत दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका तो ये है, करते हैं कुछ लोग जो निर्जला व्रत करते हैं, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं और रात होने के बाद 12 बजे के बाद जब कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर ही फलाहार करते हैं। भाई दूसरा तरीका ये है कि कुछ लोग सिंपल तरीके से व्रत करते हैं, सुबह के टाइम नहा धोकर अपनी पूजा करते हैं और एक टाइम अपना चाय पानी पी लेते हैं और अपना, कुछ लोग जो हैं बीमार होते हैं, जो प्रेग्नेंट होते हैं, वो अपना फलाहार भी ले लेते हैं और फिर रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होने के बाद उनका पंचामृत से स्नान करवाते हैं और उनको झूला झुलाते हैं और उनकी पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फलाहार करते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है या कोई बीमार होता है, वैसे तो ये फलाहारी व्रत किया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, बीमार व्यक्ति होता है, वो रात को भी भोजन ग्रहण कर लेता है। बीमार होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, वो रात को खाना खा सकते हैं। वैसे नॉर्मल आदि फलाहारी, नॉर्मल व्यक्ति फलाहार ही करते हैं। इस तरीके से हम व्रत करते हैं। भाई जो व्यक्ति निर्जला व्रत करते हैं या फिर सिंपल तरीके से व्रत करते हैं, किसी भी तरीके से व्रत करते हैं, आप लड्डू गोपाल की पूजा करें। लड्डू गोपाल की पूजा, आप अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप कृष्ण भगवान की मूर्ति या फोटो की भी पूजा कर सकते हो और इसी तरीके से की जाती है। इस तरह से जैसे छोटी हमारे पास ये मूर्ति है इस तरीके की, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के पास लड्डू गोपाल है, तो इस तरीके से आप छोटी मूर्ति भी ले सकते हो। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति का भी पंचामृत से स्नान करवा सकते हो। सिंपल अपनी पूजा करनी होती है, अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप मूर्ति की भी या फिर तस्वीर से भी आप अपनी पूजा कर सकते हो। भाई बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि लड्डू गोपाल का जन्म क्या करवाना जरूरी है, क्या कराया जाता है या नहीं कराना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लड्डू गोपाल का जन्म जो है करवाना जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोग क्या है कि खीरे को काटकर उस तरीके से लड्डू गोपाल का जन्म करवाते हैं और कुछ लोग ऐसे कराते हैं कि जैसे मूर्ति होती है कृष्ण भगवान की या तस्वीर होती है उसको कपड़े से ढक देते हैं और उसके बाद लड्डू गोपाल का जन्म करवाया जाता है। मंदिरों में भी ऐसे ही कराया जाता है। सभी मंदिरों में क्या किया जाता है, जो लड्डू गोपाल की मूर्ति होती है उसको क्या है, लाल कपड़े से ढक दिया जाता है और 12 बजे के बाद जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है तो उस कपड़े को हटा दिया जाता है, तब कृष्ण भगवान का जन्म कराया जाता है। आप लोग भी इसी तरीके से करवा सकते हो। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की कोई तस्वीर है या फिर मूर्ति है तो उसके ऊपर आप लाल कपड़ा ढक सकते हो। अगर वैसे नॉर्मली लड्डू गोपाल है, अगर आप खीरे से कराना चाहो तो उस तरीके से भी करवा सकते हो। अगर नॉर्मल करवाना चाहते हो आप, तो आप जो लड्डू गोपाल की तस्वीर होती है, मूर्ति होती है, उसके ऊपर इस तरह से कोई भी लाल कपड़ा आप ढक सकते हो और 12 बजे के बाद उनका जन्म होने के बाद उस कपड़े को हटा सकते हो, फिर अपना जो है पंचामृत से स्नान करवा सकते हो और उनकी पूजा कर सकते हो, फिर झूला झुला सकते हो, जैसे सहज चटा सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। भाई कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि अगर हमारे पास कई मूर्तियां हैं या कई लड्डू गोपाल हैं तो क्या सभी लड्डू गोपालों का, मूर्तियों का जन्म करवाना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कई मूर्ति हैं लड्डू गोपाल की या कई लड्डू गोपाल हैं तो सिर्फ एक मूर्ति या एक लड्डू गोपाल का जन्म करवाना जरूरी है। इसको आप खीरे में रख के, एक लड्डू गोपाल को खीरे में रख के जन्म करवा सकते हो, या अगर आप सिंपल तरीके से लड्डू गोपाल का जन्म करवाना चाहते हो तो जितने भी लड्डू गोपाल हैं या फिर मूर्ति है उन सभी पे आप कपड़ा ढक सकते हो, इस तरीके से भी आप लड्डू गोपाल का जन्म करवा सकते हो।
एक बात और मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपके पास कितने भी लड्डू गोपाल हो, कितने भी लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, तस्वीर हो, उसमें से आपको जो सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल या मूर्ति होती है उसका जन्म करवाना अच्छा है, तो आप जो सबसे छोटे वाली मूर्ति होती है उसकी आप उससे आप जन्म करवा सकते हो। कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि जो लड्डू गोपाल होते हैं उनको पालने में बिठा कर उनकी पूजा कर सकते हैं या फिर चौकी पे बिठा कर ही उनकी पूजा करनी होती है। भाई आप किसी भी लड्डू गोपाल की पूजा अगर कर रहे हो तो हम जो है पालने में बिठा कर भी पूजा कर सकते हैं और चौकी पे बिठा कर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब लड्डू गोपाल को भोग लगाना होता है तो हमें उनको झूले से उतारना होता है। पहले लड्डू गोपाल को नीचे बैठा कर ही भोग लगाना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होता है, हम लड्डू गोपाल को पूरी रात पालने में छोड़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। क्या करना होता है, लड्डू गोपाल का जन्म होने के बाद जो है हम उनका पंचामृत से स्नान कराते हैं, उनकी पूजा कराते हैं, उनका झूला झुलाते हैं। झूला झुलाने के फिर हम चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं और अपना फलाहार कर सकते हैं। फलाहार करने के बाद, हमारा सारा काम होने के बाद, जब हम सोने जाते हैं तो उससे पहले हम लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं और फिर हम खुद सोने के लिए जा सकते हैं। इस तरीके से हम कर सकते हैं। पूरी रात कभी भी लड्डू गोपाल को पालने में छोड़ना नहीं होता है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को क्या है, हैवी पोशाक पहना देते हैं, तो सोने से पहले वो हैवी पोशाक जो है हमें चेंज करनी होती है, लाइट पोशाक हमें पहनानी होती है। और जो लोग मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं वो तो नॉर्मली वही चौकी पे विराजमान करके कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को विराजमान करके और नॉर्मली पूजा कर सकते हैं। जैसे कोई इस तरीके से झूला लेता है और इस तरह के मूर्ति, छोटी मूर्ति खरीदता है लड्डू गोपाल की, तो वो क्या है झूले में बैठा के झूला सकता है। फिर क्या है, चौकी पे विराजमान कराना होता है लड्डू गोपाल को और पूरी रात इसी तरीके से चौकी पे विराजमान करवाना होता है। और जो लड्डू गोपाल लेके आता है उसको क्या है, पोशाक चेंज करके और तब अपने लड्डू गोपाल को सुलाना चाहिए। भाई कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम लड्डू गोपाल को 56 भोग किस टाइम लगा सकते हैं, तो जब भी हमारा 56 भोग बन जाता है, 56 भोग बनाने में तो वैसे भी बहुत टाइम लग जाता है, 56 भोग हम किसी भी टाइम लगा सकते हैं। सुबह लगा सकते हैं, 4 बजे के बाद लगा सकते हैं और रात को 12 बजे के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन 56 भोग बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ये लगा लो 4-5 बजे का टाइम तो हो ही जाता है, तो उस टाइम पे भी भोग लगा सकते हैं। हमारा फास्ट होता है, हमारा व्रत होता है जन्माष्टमी के दिन, लड्डू गोपाल का थोड़े होता है, तो आप किसी भी टाइम लड्डू गोपाल को जो है भोग लगा सकते हो। भाई कुछ लोग ये है कि 56 भोग नहीं बना पाते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो जो नॉर्मली भोग लगाते हैं जैसे कि मिठाई का भोग लगाते हैं या घर में कुछ भी बनाते हैं, तो वो भोग हम सुबह के टाइम भी लगा सकते हैं, दोपहर में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं। एक चीज करनी होती है हमें, सभी भोग में जो है तुलसी हमें जरूर रखनी चाहिए, तो तुलसी जरूर लड्डू गोपाल को अर्पित करनी चाहिए। जैसे तुलसी और जल तो हमें मंदिर में जरूर रखना चाहिए, और सारे पकवान जो भी भोजन हम बनाते हैं लड्डू गोपाल के लिए उसमें हमें सभी में एक एक तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। कि लड्डू गोपाल को हम किस चीज का भोग लगा सकते हैं, क्या हम फलाहारी भोग लगा सकते हैं या सिर्फ मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, तो आप किसी भी चीज का आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हो, फलों का भी लगा सकते हो, मिठाइयों का भी लगा सकते हो, दूध, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी आप 56 भोग में शामिल कर सकते हो। अगर कुछ कॉमन ही चीजें आप भोग में लगाना चाहते हो तो वो है जैसे कि पंचामृत हो गया, पंजीरी हो गई, फ्रूट्स हो गए, मिठाइयां हो गई, इन चीजों का भी आप भोग लगा सकते हो, और भी चीजें इसमें शामिल कर सकते हो। हमारा व्रत होता है, लड्डू गोपाल का व्रत नहीं होता है, तो इस तरह से जो भोजन अनाज से जो चीजें बनी होती है उनका भी आप भोग लगा सकते हो। बस जो भोग होता है वो सात्विक होना चाहिए, सात्विक भोजन में हम कुछ भी बना सकते हैं घर पे बना के, और लड्डू गोपाल को अर्पण करना चाहिए। भाई कुछ लोग ये सोचते हैं कि जन्माष्टमी के दिन
क्या एक समय पंचामृत से स्नान कराना जरूरी होती है लड्डू गोपाल को, या फिर दोनों टाइम पंचामृत से स्नान कराना जरूरी होता है? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लड्डू गोपाल को पंचामृत से क्या है, एक टाइम तो स्नान कराना जरूरी होता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों समय भी लड्डू गोपाल को जो है पंचामृत से स्नान करा सकते हो, लेकिन उनका बर्थडे है तो एक टाइम तो पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। और पंचामृत में आप अलग अलग चीजों से भी, जैसे दूध, एक बारी दूध से नहला दिया, एक बार दही से नहला दिया, इस तरीके से भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हो, या फिर आप इकट्ठे करके जैसे दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, पांचों चीजों को मिक्स करके भी आप स्नान करा सकते हो लड्डू गोपाल को, इस तरीके से भी करा सकते हो और अलग अलग करके भी करवा सकते हो, लेकिन एक टाइम तो जरूर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों टाइम भी पंचामृत से स्नान करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है भाई। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि जन्माष्टमी के दिन क्या लड्डू गोपाल की नई ड्रेस खरीदनी चाहिए, एक खरीदनी चाहिए या दो खरीदनी चाहिए। तो भाई जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की दो पोशाक लानी जरूरी होती है, अगर आपके पास एक नई रखी है तो आप एक दूसरी ला सकते हो, हर जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल को नई पोशाक जरूर पहनानी चाहिए क्योंकि उनका बर्थडे होता है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की एक नई ड्रेस तो हमें जरूर खरीदनी चाहिए, अगर आप चाहें तो दो खरीद सकते हो, लेकिन एक तो हमें जरूर खरीदनी चाहिए, एक ड्रेस, एक पोशाक जो हो पहले की ले सकते हो और एक पोशाक जो है आप नई ले सकते हो। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की सिर्फ एक ही नई पोशाक है या सिर्फ एक ही लेके आए हो, तो सुबह के टाइम लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा के आपके पास जो ड्रेस, जो पोशाक रखी है उसको आप दिन में पहना सकते हो, और जन्म होने के बाद जो नई लेके आए हो वो पहना सकते हो। अब मैं आपको एक बात फिर से बता देती हूँ कि इस बार जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है वो 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन हो रहा है, इसी दिन सभी लोग जन्माष्टमी की में लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे और मंदिरों में सभी जगह पे इसी दिन पूजा होगी, रात को 12 बजे के बाद भी जन्म 26 अगस्त की रात को ही करवाया जाएगा। भाई जन्माष्टमी को लेकर अगर किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ।